हेलो दोस्तों तो दोस्तों कैसे हो आप सब ए आई इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड जी हाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड दोस्तों इसकी रिक्रूटमेंट के बारे में इससे सिमिलर रिक्रूटमेंट के बारे में मैंने अभी आपको चार पाँच दिन पहले इन्फॉर्मेशन दी थी बट ये जो वैकेंसी है ये लेटेस्ट वैकेंसी है ये छः तारीख को ही पोस्ट आउट हुई है दोस्तों ये जो है डायरेक्ट हायरिंग है एयरपोर्ट अथॉरिटी में और ये एयरपोर्ट में जॉब रहने वाली है अब ये आप बोलेंगे कहाँ वैकेंसी रहने वाली है मेरे हिसाब से ऑल इंडिया एलिजिबल है बट ये जो वैकेंसी रहेगी ये डिफरेंट एयरपोर्ट्स पर रहेगी बट दिल्ली जो है इसका मेन रीजन है तो यहाँ इसकी वैकेंसी रहेगी प्लस इसके साथ साथ दोस्तों जिन बंदों को जॉब की सच में रिक्वायरमेंट है जो बंदे अर्जेंट में जॉब करना चाहते हैं वो जो है सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर करना और टेलीग्राम चैनल को लाइ ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें टेलीग्राम चैनल पे आपको ऑल अपडेट सबसे पहले सबसे लेटेस्ट मिलते हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वहाँ जाके देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा अब बात कर लेते हैं ये वॉक इन इंटरव्यू है जी एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन इन डिफरेंट ट्रेड ऑन फिक्स ट्रम एम्प्लॉय बेसिस और ये कब आई है ऑल इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस एज एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल एम आर ऑर्गेनाइजेशन डी जी सी अप्रूव्ड है इसके अंदर वैकेंसी निकल के आ रही है वैकेंसी आई कब है साहब छः तीन दो हजार तेईस को वैकेंसी निकल के आई है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो डिटेल ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट ऑफ एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन इन डिफरेंट ट्रेड्स दोस्तों एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन मेंटेनेंस ओवरऑल ओवरऑल क्या होता है बीच बीच में आ, मतलब आपको एक बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊ तेल मालिश करना किसी भी मैकेनिकल पार्ट की उसे ओवरऑलिंग बोलते हैं अगर बात कर लेते हैं फॉर ऑल कैंडिडेट अदर देन एक्स सर्विस मैन जो एक्स सर्विस मैन नहीं होना चाहिए उसमें क्या क्या इन्होंने मांगा है ए एम ई डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग दो सौ तीन इज्स इन मैकेनिकल स्ट्रीम फ्रॉम अवर इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाई डी जी सी ए या फिर कैंडिडेट फ्रॉम डी जी सी अप्रूव्ड ये होना चाहिए अदरवाइज इसके अलावा डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग थ्री इयर्स इन मैकेनिकल एरोनोटिकल और इक्वेलन रिकोग्नाइज बाय सेंट्रल या आपने कहीं से भी की हो आप एलिजिबल है बात कर लेते हैं इसमें एक्सपीरियंस की क्या डिमांड रखी है इन्होंने बोला है कैंडिडेट मस्ट हैव मिनिमम वन ईयर एक्सपीरियंस इन एविएशन इंडस्ट्री और सक्सेसफुल कंप्लीसन ऑफ नेशनल अप्रेंटिसिप इन द कंसर्न ट्रेड ऑफ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस मिनिमम वन ईयर ड्यूरेशन वन ईयर में किसी ने भी कहीं से अप्रेंटिसिप या फिर आपने कहीं जॉब की हो एक्सपीरियंस हो तो आप एलिजिबल है एक्स सर्विसमैन वालों के लिए अलग क्राइटेरिया है जिसके बारे में मैं बात

ओवरऑल या फिर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ नेशनल अप्रेंटिसिप वन ईयर आपने अप्रेंटिसिप की हो तब आप एलिजिबल है नेक्स्ट जो वैकेंसी है ये है आईटीआई आई वालों के लिए टेक्नीशियन फिटर सीट मेटल इसमें कौन कौन एलिजिबल है आई वाले जो एलिजिबल है और टू ईयर का आपके पास एनसी सर्टिफिकेट होना चाहिए दैट इज ओके फॉर यू इसके साथ साथ वैकेंसी की बात कर लेते हैं 325 पोस्ट्स के लिए वैकेंसी आई है सेलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू के बेस पे इसके साथ साथ फॉर एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन ए टू सी इन्होंने बोला है पर्सनल डिपार्टमेंट ए ये ये इसका एड्रेस है क्या है पर्सनल डिपार्टमेंट ए थ्री ट्वेंटी एवेन्यूक्स कॉम्प्लेक्स आई एयरपोर्ट टर्मिनल थ्री न्यू डेली यहां इसका होने वाला है कब होने वाला है थर्टी ऑफ मार्च थर्टी ऑफ मार्च को होने वाला है सुबह को नाइन थर्टी से स्टार्ट होने वाला है तो आप यहां जा सकते हैं और एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन के लिए आपका जो होने बोला है कि आपको ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फिक्स टर्म रहेगा पांच साल का और आपका उसी हिसाब से सैलरी बढ़ती रहेगी बट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपकी सैलरी पच्चीस होगी और जो फिर ईयर में बढ़ने के बाद आपकी सैलरी हो जाएगी थर्टी थाउजेंड फिर थर्टी एट हो जाएगी फिर फोर्टी टू हो जाएगी जब आप यहाँ से आप आफ्टर फाइव ईयर्स स्किप करेंगे तो आपकी फोर्टी टू फोर्टी फाइव थाउजेंड सैलरी हो जाएगी लेकिन उसके लिए आपको क्या करके जाना होगा दोस्तों इन्होंने बोला इंटरेस्टेड कैंडिडेट जिनका एम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहा है चाहे वो डिप्लोमा हो बीटेक हो डिग्री हो वो जो है वन थाउजेंड की वन थाउजेंड का डीडी बना के लाएं किसके नाम पे डिमांड दि ड्राफ्ट बना के लाएं मतलब डीडी ए इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड पेबल एट न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली के नाम पे आप एक हज़ार का डीडी बना के लाएं तब आप यहाँ एलिजिबल होंगे और ये नॉन रिफंडेबल होगा कैंडिडेट दोस्तों इन्होंने बोला है कि आप जब इंटरव्यू पे जाएं कुछ डॉक्यूमेंट साथ लेके जाएं कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो भी आपके एग्जाम के पेपर मार्कशीट वगैरह रही और उन्होंने ये वाला फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन इस फॉर्मेट को सबमिट कर लीजिएगा मतलब पहले ही फिल कर लीजिएगा कोशिश कीजिएगा एक डिसेंट सी पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ लगाएं लेकिन याद रखिएगा कि एयर इंडिया की जॉब है और हो सकता है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी की जॉब है तो आपकी पर्सनालिटी भी यह मैटर करेगी इसके साथ साथ आपका सब चीज़ यहाँ आपको मेंशन कर देना है टेंथ में कितने मार्क्स आए डिप्लोमा डिग्री में कितने मार्क्स आए इसके साथ साथ आपने कित कौन कौन सी ब्रांच में कौन कौन सी लैंग्वेज में आप बिल्कुल फ्लुएंट है किस में एफिशेंट है सब मैंसन करके यहाँ कर दीजिएगा इसके साथ साथ ये ये आपको चेक वेदर करना है कि ये ये जो है ये है इसका सीट जिसे आप अप्लाई करने से पहले देखना होगा एप्लीकेशन फीस थ्री एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटो लिविंग टी सी ट्वेल्थ में कितना आया टेंथ में कितना आया डिप्लो मार्कशीट्स आते हैं नहीं है लाइसेंस कॉपी अगर आपके पास है तो ठीक है कास्ट सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी है डोमिसाइल जो भी है वो आपको मेंशन करके यहाँ से लेके जाना है तो ये थी आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आप सभी को अर्जेंट में जॉब चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बोले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद